हेलो गाइज, वेलकम बैक टू HR रेटिंग। तो गाइज, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप हैप्पी बर्थडे स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम में क्रिएट कर सकते हो। तो आप भी इसी तरीके से अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी को क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, आपको पहले अपने इंस्टाग्राम ओपन करना होगा। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद अपने फोटो को अपनी स्टोरी में ऐड करना होगा। फोटो ऐड होने के बाद आपको अपने फोटो को कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है, और नेक्स्ट आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इस फॉन्ट को यूज़ करके एक डॉट देना होगा और इसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, और इस तरीके से स्पेस देके आपको एक बॉक्स क्रिएट करना होगा। बॉक्स क्रिएट होने के बाद आपको कलर ऑप्शन पे आना होगा और इस पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करके अपने फोटो में से एक कलर को चूज करना होगा, और इस बॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। और नेक्स्ट आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके इस फोटो को सेव करना होगा और इस स्टोरी को आपको डिस्कार्ड करना होगा। स्टोरी डिस्कार्ड होने के बाद आपको फिर से अपनी स्टोरी को ऐड करना होगा। इस तरीके से ऐड होने के बाद आपको इस बार फोटो ऐड करना होगा। फोटो ऐड करने के लिए आपको स्टिकर पे आना होगा और यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके अपने फोटो को ऐड करना होगा। इस तरीके से फोटो ऐड होने के बाद आपको इस फोटो को कुछ इस तरीके से टैप करके सर्कल कर लेना है, और इस फोटो को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। फिर से आपको फोटो को ऐड करना होगा। फोटो कुछ इस तरीके से ऐड होने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करके ड्रॉ में आना होगा और इस पेंसिल को यूज करके कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनने के बाद आपको राइट क्लिक करके बैक आना होगा और फिर से आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा। इस बार आपको इस फॉन्ट को यूज़ करके हैप्पी बर्थडे करके लिख देना है, और इस टेक्स्ट को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो गाइज, कुछ इस तरीके से टेक्स्ट ऐड होने के बाद आपको स्टिकर पे आना होगा। इस बार सर्कल करके सर्च कर लेना है, और इधर आपको बहुत सारा स्टिकर्स मिल जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्टिकर को ऐड करना होगा और कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। कुछ इस तरीके से स्टिकर ऐड होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टोरी क्रिएट हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हमारा सेकेंड स्टोरी पर। तो गाइस, सेकेंड स्टोरी बनाने से पहले आप अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो गाइस, सेकेंड स्टोरी में अपने फोटो को कुछ इस तरीके से ऐड करना होगा और इस फोटो को आपको इस तरीके से जूम कर लेना है, और नेक्स्ट आपको यहाँ टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इस फॉन्ट को यूज़ करके आपको एक डॉट देना होगा और इसका बैकग्राउंड इनेबल करके कुछ इस तरीके से बॉक्स बनाना होगा, और इस बॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। बॉक्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करके इस फोटो को सेव करना होगा, और इस स्टोरी को आपको डिस्कार्ड कर देना है और फिर से आपको उसी स्टोरी को ऐड कर लेना है। कुछ इस तरीके से अपने स्टोरी ऐड होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा। इस फॉन्ट को यूज़ करके एक डॉट देना होगा और इसका बैकग्राउंड इनेबल कर लेना है, और बैकग्राउंड का कलर आपको वाइट रखना होगा, और इस तरीके से आपको एक बॉक्स क्रिएट करना होगा। बॉक्स क्रिएट होने के बाद आपको इस बॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, और उस बॉक्स में अपने फोटो को ऐड करना होगा। फोटो ऐड करने के लिए आपको स्टिकर पे आना होगा। स्टिकर में आने के बाद आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करके अपने फोटो को ऐड कर लेना है। फोटो कुछ इस तरीके से ऐड होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा, और इस बार आपको इस टेक्स्ट को यूज़ करके हैप्पी बर्थडे करके लिख देना है, और इसका साइज बढ़ाना होगा, और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा, और इस फॉन्ट को यूज करके आपको एक बॉक्स क्रिएट करना होगा। और इस बॉक्स का कलर आपको चेंज करना होगा। कलर चेंज करने के लिए आपको कलर ऑप्शन पे आना होगा और इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करके अपने बैकग्राउंड में से एक कलर को चूज करना होगा, और इस बॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। बॉक्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा। इस बार आपको इस फॉन्ट को यूज़ करके हैप्पी बर्थडे करके लिख देना है, और इस टेक्स्ट को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा।
कुछ इस तरीके से अपने टेक्स्ट एडजस्ट होने के बाद आपको फिर से टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इस बार आपको इस फॉन्ट को यूज करके डॉट देना होगा। डॉट देने के बाद आपको स्पेस दबाना होगा और हैप्पी बर्थडे करके लिख देना है और इस टेक्स्ट को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। कुछ इस तरीके से अपने टेक्स्ट एडजस्ट होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा सेकेंड स्टोरी क्रिएट हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हमारा थर्ड स्टोरी पर। तो गाइस थर्ड स्टोरी में अपने फोटो को अपने स्टोरी में ऐड करना होगा। स्टोरी में ऐड होने के बाद आपको इस फोटो को कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है और नेक्स्ट आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा। इस बार आपको इस फॉन्ट को यूज करके एक बॉक्स क्रिएट करना होगा और इस बॉक्स का कलर आपको चेंज करना होगा। कलर चेंज करने के लिए आपको कलर बॉक्स पे टैप करना होगा और इस पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करके अपने फोटो में से कलर को चूज कर लेना है और इस बॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। बॉक्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको स्टिकर पे आना होगा। यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करके अपने फोटो को ऐड कर लेना है। कुछ इस तरीके से अपने फोटो ऐड होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा। इस बार आपको इस फॉन्ट को यूज करके हैप्पी बर्थडे करके लिख देना है और इस टेक्स्ट को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। टेक्स्ट कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके ड्रॉ में आना होगा और इस पेंसिल को यूज करके आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से डिजाइन बनने के बाद आपको राइट क्लिक करके बैक आना होगा। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं हमारा थर्ड स्टोरी भी क्रिएट हो चुका है। तो आप भी इसी तरीके से अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप गाइज इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना और साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले इसी तरीके से और एक वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।